कुछ होते हैं वो लोग जो अपनी किस्मत सोने की स्याही से लिखवा कर लेके आते हैं, और कुछ होते हैं वो लोग जो अपनी किस्मत का तारा अपनी मेहनत और लगन से चमकाते हैं। ऐसा ही एक सितारा है जो दूसरों के लिए एक मिसाल है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेलीविजन की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल निया शर्मा की। तो चलिए आज हम आपको निया शर्मा की लाइफ के कुछ हसीन किस्से सुनाते हैं। निया शर्मा जिनका रियल नाम नेहा है, पर अपने ग्लैमरस करियर के चलते निया ने अपना नाम नेहा से निया करवा लिया। 17 सितंबर 1990 को दिल्ली में जन्मी निया शर्मा अपनी माँ के आंखों का तारा है। निया के एक भाई भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निया के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। निया जब बहुत छोटी थी तभी उनका देहांत हो गया था, इसलिए निया की मम्मी पर निया और उनके भाई की जिम्मेदारी आ गई, जिसे बखूबी निया की मम्मी ने निभाया। इसलिए निया अपनी मम्मी को अपना आइडल मानती है। निया ने स्कूलिंग के बाद मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, और अपने करियर के शुरुआती दिनों में निया ने दिल्ली के एक लोकल न्यूज चैनल में एज अ जर्नलिस्ट काम किया। पर निया को किसी और ही रास्ते का बुलावा आ रहा था, और इसी के चलते निया ने मुंबई की ओर रुख लिया, मॉडलिंग की दुनिया में अपना लक आजमाने के लिए। और इत्तेफाकन निया को एक्टिंग करियर में बिना किसी ऑडिशन के चांस मिला 2010 में सीरियल काली में, और फिर निया ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। 2011 में सीरियल बहने में उन्होंने एक दमदार किरदार निभाया, फिर उन्हें मिला ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस वाला रोल, और वो था एक हजारों में मेरी बहना है, जिसमें उन्होंने मानवी का किरदार निभाया, और निया के किरदार को लोगों का बेशुमार प्यार मिला। अब वो टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर चेहरा बन गई। इस शो में निया एक कैंसर सर्वाइवर का किरदार निभा रही थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। एक के बाद एक कई सारे अवार्ड्स निया की झोली में आए। शो लगभग 2 साल ऑन एयर रहा, और इस शो के खत्म हो जाने के बाद निया को दूसरा ब्लॉकबस्टर शो मिला जमाई राजा, जिसमें निया अपने पिछले शो के मुकाबले बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। रवि दुबे और निया की केमिस्ट्री लाजवाब रही। 2016 में एक इंटरनेशनल मैगजीन के सर्वे में निया को एशिया थर्ड मोस्ट सेक्सी वुमेन का खिताब मिला था, और फिर 2017 में उन्हें सेकंड रैंक मिला। निया ने दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ जैसे कई पॉपुलर स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया था। निया कई बार कंट्रोवर्सी और ट्रोलिंग का शिकार हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं, निया एक बेबाक और बिंदास किस्म की लड़की है। उनके मिजाज में कोई फिल्टर नहीं है। निया अपने रेड कार्पेट लुक्स को लेके काफी ट्रोल होती है। लोगों को लगता है कि निया लाइमलाइट में आने के लिए जानबूझकर ऐसा करती है। निया की कंट्रोवर्सी की बात करें तो निया इसके अलावा 2015 में जमाई राजा के सेट पर अपने को-स्टार और फ्रेंड रहना पंडित के साथ लिपलॉक करने पर निया को काफी ट्रोल किया गया, लेकिन निया ने हेटर्स को नजरअंदाज कर दिया। निया यही नहीं रुकी, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए वो विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ट्विस्टेड में काफी हॉट और बोल्ड अवतार में नजर आई थी। सीरीज तो काफी पॉपुलर रही थी, पर निया अपने बोल्ड सीन्स की वजह से फिर ट्रोल हुई। उनके को एक्टर अमित खन्ना के साथ उनके लव मेकिंग सीन, और फिर इसी शो में ईशा शर्मा के साथ भी उनके कई लव मेकिंग सीन्स थे, जिसकी वजह से निया बहुत ट्रोल हुई। पर सीरीज इतनी सक्सेसफुल रही कि शो के मेकर विक्रम भट्ट सेकेंड सीजन के साथ फिर वापस आए, और ये सीजन भी बेहिसाब पॉपुलर रही। निया ने खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया, जिसमें वो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में से एक थी। हालांकि निया एक बार एलिमिनेट हो जाने के बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री से वापस आई थी। निया ने कॉमेडी में भी हाथ आजमाया। उन्होंने कलर्स के शो कॉमेडी नाइट बचाओ में हिस्सा लिया। लोगों ने निया को उनके कॉमेडी के लिए अप्रिशिएट भी किया। फिर कलर्स के ही शो इश्क में मरजावा में निया दिखाई पड़ी अर्जुन बिजलानी और शोहेब इब्राहिम के साथ। इस किरदार में भी निया को बहुत वाहवाही मिली। निया अपने बेस्ट फ्रेंड मेकअप आर्टिस्ट कैश के बहुत करीब है। अक्सर निया कैश के साथ अतरंगी वीडियोस बना के अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड करती रहती है। निया किसी रोल मॉडल से कम नहीं, हर उस लड़की के लिए जो अपने दम पर कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, बिना ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि निया इसी तरह अपने फैंस को एंटरटेन और इंस्पायर करती रहे। तो कैसी लगी आपको निया की ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।